थोड़ा सा आराम हो जा रहा है। आराम किसे और 1.5 साल से परमानेंट बेड रेस्ट पर बेड रेस्ट में ही था, काम वाम नहीं कर पा रहे, बेड रेस्ट काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक हो जाएगा तो परेशान हो जी। स्पॉन्डिलाइटिस है, कितने साल से स्पॉन्डिलाइटिस आपको? कब पता चला था कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है? 4 साल से 2 साल नहीं हुआ। देखिए स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में एक चीज मैं कंफर्म करा दूं, किसी का अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो वो घबराए नहीं, घबराए इस वजह से नहीं कि फौरन आपको फिजिकल में या एक्सरसाइज मतलब थेरेपी में फौरन आ जाए। अगर किसी किसी में ये भी पाया जाता है कि अगर HLA-B27 नेगेटिव है तो एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होने के बाद भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव होने के बाद भी बिल्कुल एकदम स्वस्थ होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव आने के बाद भी एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। तो इसके ये सिम्टम्स ये आपके पता होने के लिए क्या क्या पता चलेंगे, पूरी आपकी ये स्पाइन है वो आपकी फ्रीज से होना शुरू हो जाएगी, वर्टेब्रा जो है आपके वो वर्टेब्रा कॉलम है वो आपके जो फ्लूड है वो आपका जमना शुरू हो जाएगा। आप इसमें घबराए नहीं, फौरन हमारे पास आए आप ट्रीटमेंट लेने के लिए। अगर आपके स्पाइन का कर्वेचर अगर आपका आगे की तरफ बेंड हो गया हो तो उसमें भी नहीं आप घबराए, स्कोलियोसिस हो या फिर आपका लॉर्डोसिस हो या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो तो आपको इसमें घबराना नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे पास ट्रीटमेंट है हमारे पास जो आपको नंबर दिया जाएगा, और जो है एवियन का भी ट्रीटमेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये इसमें घबराना नहीं है, फौरन हमारे पास आना है और जल्दी से जल्दी आप कोशिश आने की करें। ये नहीं है कि जब आप पूरे खत्म हो जाए बिल्कुल पूरे स्पाइन मतलब टेढ़ी हो जाए फिर उसके बाद आएंगे फिर आप हमसे कहेंगे डॉक्टर साहब हमें बिल्कुल गारंटी चाहिए और जल्दी करो, तो उसमें हम कुछ नहीं कर, हम लेट होगा नहीं, हम कर तो सकते हैं लेकिन लेट होगा तो उसमें घबराने वाली बात नहीं।